अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकरा डॉट ओजोन। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ RX3 के डिस्क पैड चेंज करना। ये रोड प्रिंस की RX3 है जो पाकिस्तान में है। वीडियो 2021 में बनाई थी, अब 2022 जाने वाला है। पुराना डाटा डिलीट कर रहा था मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार शेयर कर दें ताकि कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो मैं आपसे शेयर करता हूँ, वीडियो आपको दिखाते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 3 बार बोल दिया मैंने, अब तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलें टाइम वेस्ट किए बिना आपको वीडियो दिखाते हैं, और वीडियो देख के कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी ये दो नट खोल के ये कैलिबर को बाहर निकाल देंगे। चलें खोलें आप। ठीक है। कैलिबर वायर लेके आए, डन, ज़बरदस्त। ये देखें इसके अंदर ये दोनों पैड लगे हुए हैं, ये देखें आप। अब हम करेंगे ये कि एलगी से ना ये वाला स्क्रू खोलेंगे। ये स्क्रू जो है ये दोनों पैड को रोक के रखता है। ये आप रिमूव करेंगे कि जो डिस्क पैड हैं वो दोनों बाहर आ जाएंगे। और बाप रे, ये कितने अभी मोटी गेज है, और ये देखें बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हुए हैं। ये जल्दी आपने रिप्लेसमेंट कर लिया, वरना ये डिस्क जो है इस पर स्क्रैचेज आना शुरू हो जाने थे। फिर लग तो रहे, अभी चल जाएगी ये। तो जब से ये स्क्रैचेस भी कवर हो जाएंगे जब ये वापस ये सही पैड लगेगा, तो ऐसा ही है। पिस्टन को थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा अंदर, ये लेके आए नीचे। ठीक है, दूसरी वाली को गया अंदर। हाँ, फर्क बड़ा। ये देखें जी, एक कम हो, एक थोड़ा सा कम। ये देखें, हो गया, जबरदस्त। अब चलें इसके पैड लगाएं। इसमें आपको देखना ये है कि ये जो पैड है ना, ये देखें इस तरह से है। ये जो इसमें होल है, ये जो होल वाली जगह है, ये इस साइड पे आनी है, क्योंकि इधर से इसको वो बोल्ट लगना है जो इसको रोक के रखता है। ठीक है, दूसरा लगाएं। अच्छा तो दोस्तों, अब इसमें है क्या, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ और बता देता हूँ। ये देखें, ये जो इसके ओरिजिनल पैड हमने निकाला है ना, उसमें ये देखें ये दो कट बने हुए हैं, ठीक है। जबकि इस वाले में जो अभी हम लगा रहे हैं, इसमें एक ही है, जो कि आप ये देखें, और इसमें दो हैं। तो इस चीज़ का कोई मसला नहीं है, आप इस चीज़ से परेशान नहीं होना। आपने सिंपल करना ये है कि ये कैलिबर के अंदर ये जो एक इसकी फिटिंग बेस है, इसको आपने बाहर निकालना है। इसको निकाल के इसको थोड़ा सा ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे आपने पुश कर देना है, थोड़ा सा ऊपर को इस तरह से आपने कर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद वापस आप इसे लगाएं, ये देखें इस तरह से ये अपनी जगह पे आ जाएगी वापस, डन। ये अंदर वाली जगह पे, वो अंदर इसका लॉक है, उसके अंदर जाके ये इस तरह से फिक्स हो जाएगी। ये देखें पूरी पूरी उसकी अंदर जगह बनी है, ये हो गया। और इस साइड वाला जो है एज इट इज़, वो भी उसी तरह से ये हो गया। ये देखें ये दोनों अपनी जगह पे आ गए हैं। अब हम इसका ये वाला एल की बोल्ट लगाएंगे जो दोनों को रोक के रखता है। ये आ गया, ये आ गया, इसको आप हाथ से नॉर्मल टाइट कर लें जितना कर सकते हैं,
उसके बाद इसको डिस्क के ऊपर फिक्स कर दें वापस। डिस्क के ऊपर जब आप फिक्स करेंगे, ये जो सेंटर गैप है ना, इस गैप के अंदर डिस्क ने फिक्स होना है। जिस तरह से मैं आपको, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एक ये स्क्रू ड्राइवर है, ये इसके अंदर, ये देखें मैं लगा रहा हूँ एज इट इज़। इसी तरह से जिस तरह से मैंने स्क्रू ड्राइवर इनके अंदर फिक्स किया ना, तो आप एक बार जो है ना इसको थोड़ा सा पुश कर दें, ये गैप एक जैसा हो गया। अभी आप इसको वापस लेके आएंगे इस जगह पे, अच्छा दोस्तों ये जो पैड है ना, ये इसके जो स्टॉक आते हैं उससे इनकी गेज जरा भारी है, थोड़े से मोटे हैं ये। इसका ये एक पैड हटा के दूंगा, इसका थोड़ा मटेरियल जो है ऊपर से कम करूंगा ग्राइंडर के साथ। जबरदस्त, अब इसको डिस्क पैड तो इसमें हो गए हैं इंस्टॉल, अभी ब्रेक दबा के जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, आप बार बार जो है ब्रेक दबाएंगे तो उससे जो है ना फिर ब्रेक अपनी जगह पे आ जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा डिस्क पैड चेंज करने का तरीका जो था RX3 में, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी सवाल है आपका, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो। 네, ये तो रास्ता ही बंद है आगे से। हाँ यहीं से चलाते हैं। हाँ की बाइक तो बड़े आराम से चढ़ेगी, ट्राई करो।